नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों क्या क्या बदलाव हुए हैं और वो बदलाव क्यों हुए हैं, और साथ ही साथ में राजस्थान राजस्व मंडल का आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने इस बदलाव के बारे में बताया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि पटवारी भर्ती परीक्षा में क्या और क्यों बदलाव हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि पहले यह था कि राजस्थान के पटवारी की जो योग्यता थी, न्यूनतम योग्यता दोस्तों, वो 12वीं रखी गई थी कड़ी पटवारी जैसे पदों के लिए। लेकिन दोस्तों अब राजस्थान सरकार ने इसको बदल कर दोस्तों कम से कम स्नातक कर दिया, यानी अब यदि आपके स्नातक की हुई है दोस्तों तभी आप पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ऐसा किया क्यों है, ये सब दोस्तों पटवार संघ की सिफारिशों पर किया गया है। पटवार संघ है दोस्तों लंबे समय से सिफारिश कर रहा है कि पटवारियों की जो वेतन है दोस्तों वो बहुत ही कम है और जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है वो आड़े आ रही है दोस्तों, इसलिए इसको अब कम से कम स्नातक वाला भर्ती परीक्षा में कर दिया है कि स्नातक किया हुआ है वही दोस्तों पटवारी की भर्ती परीक्षा में दोस्तों आवेदन कर सकता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको राजस्थान राजस्व मंडल का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने इस आदेश की बात की है दोस्तों, तो चलिए वो देख दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं दोस्तों वो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर ने जारी किया है दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता दोस्तों स्नातक होने के संबंध में। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या कहा गया है। इसमें महोदय उपयुक्त निवेदन है कि राजस्व विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक REV6/2006/PT.55 दिनांक 19/7/2018 से ही दोस्तों जो पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों वो स्नातक कर दी गई है, यानी कि दोस्तों 19 जुलाई 2018 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कम से कम दोस्तों स्नातक पास होना जरूरी होगा। अब 12वीं पास कोई भी अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों आवेदन नहीं कर सकता, ये दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल के निबंधक ने है दोस्तों वो सिग्नेचर किए हैं और ये दोस्तों इसी भर्ती से दोस्तों है वो चालू हो चुका है अब, यानी आपको यदि पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करना है तो दोस्तों कम से कम आपको स्नातक पास होना जरूरी होगा। और दोस्तों मैं बता दूं इस वीडियो को आप उन सभी अभ्यर्थियों तक जरूर जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि वो गलत फार्म ना भर दे, उनकी फीस ना लग जाए या उनके आवेदन दोस्तों खारिज ना हो जाए दोस्तों। और इससे मैं बता दूं कि जिन बंदों ने ग्रेजुएशन कर रखा था उनके लिए तो बहुत बड़ा फायदा हो गया है, उनके लिए फायदा यह हो गया है कि अब उन्हें दोस्तों कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों जिन बंदों ने 12वीं पास कर रखी थी दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा घाटा हो गया, उनके लिए घाटा ऐसे हो गया है कि अब उन्हें पटवारी भर्ती परीक्षा में यदि एग्जाम देना है तो उन्हें कम से कम 1 साल 2 साल या 3 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस पर स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया आती है। दोस्तों ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा, धन्यवाद दोस्तों।